नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आरोग्य आयुर्वेदा में। मैं डॉक्टर महावीर MD का चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे भूलोक पर आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, यानी कि पृथ्वी पर आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। तो जो विद्यार्थी BMS या PGT आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। आचार्य चरक के अनुसार सर्वप्रथम आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों ने भगवान इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, और भारद्वाज ने आत्रेय को दिया। आत्रेय ने अपने 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पाराशर, हारित और सारपाणि को दिया। अग्निवेश ने बुद्धि विशेष के कारण प्रथम तंत्र करता हुए चरक संहिता के, आचार्य सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने धन्वंतरी को दिया। भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्य वृद्ध सुश्रुत आदि उनको दिया। धन्वंतरी के शिष्य औपधेनु, वेत्रण, औरप्र, पौष्कलावत, गोपुर, रक्षित, करवीर और सुश्रुत। अष्टांग हृदय आचार्य भागवत ने ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अष्टांग हृदय आचार्य भागवत के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने भगवान इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय को दिया, आत्रेय ने अग्निवेश आदि शिष्यों को दिया। आचार्य चरक, सुश्रुत और भागवत के अनुसार ये आयुर्वेद का अवतरण है जो आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। आयुर्वेद से संबंधित आने वाले सभी वीडियोज के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर आने वाले आयुर्वेद अध्ययन से संबंधित सारे वीडियो मिल सके। धन्यवाद।